माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है खाटू श्याम वाला ब्लॉग, दूसरे दिन का। जब हम लोग निकल रहे थे साला सर बालाजी के लिए, सुबह इवनिंग में हम लोग जल्दी से रेडी हो गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन है 2:30 बजे करीब और हमें दर्शन करना है साला सर बालाजी के। तो इसलिए मॉर्निंग में 6 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। पहले हम जाएंगे तोरण द्वार, क्योंकि वहाँ हम लोग नहीं जा पाए, बस बाहर बाहर से ही आ गए थे और रात में जाना नहीं हो पाया। तो इस वक्त हमने डिसाइड किया था कि वहाँ से दर्शन करने के बाद तब हम लोग सालासर बालाजी के लिए निकलेंगे। यहाँ हम पहुँच गए थे तोरण द्वार। सबसे पहले हमने यहाँ प्रणाम किया क्योंकि ये एक तोरण द्वार है खाटू श्याम जी के मंदिर में जाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 2-4 फूल और लिए थे, मुझे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने थे तो मैंने वो किया। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए। हमारी यात्रा शुरू हो जाती है यहाँ से। तो रास्ते में जाते हुए भैया ने बताया कि यहाँ पर महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ आप दर्शन करिए। और उसके बाद उन्होंने रोड के इस पार ही गाड़ी रोक दी थी, फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, फिर रोड पार करके हम लोग गए थे मंदिर के परिसर में। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा था, आप लोगों को प्रसाद मंदिर के पास भी मिल जाएगा। तो ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली, और ये है वो पूरा बाहर का परिसर जो मंदिर का है, सिर्फ मंदिर मंदिर में जो है। बाकी तो बाहर जो है वो प्रसाद के लिए शॉप्स वगैरह भी हैं और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत चीज़ें, क्योंकि बच्चे भी आते हैं ना तो वो बोर हो जाते हैं हर चीज़ हर जगह के लिए। तो वहाँ पर ना राइड वगैरह भी थी, झूले थे, तो छोटा मोटा था। मतलब अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ी देर आप लोग एंटरटेनमेंट भी करवा सकते हैं बच्चों का। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन के लिए हम लोग निकले क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। हम लोगों ने कहा कि फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, लेट हो रहा था हमें क्योंकि हमें मेन है सालासर बालाजी के दर्शन करना और हमारी ट्रेन भी है टाइम पर। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन किया। आप लोगों के लिए भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, अंदर मना था, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा दर्शन के लिए रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। फिर मंदिर दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ। बाहर का जो ना मंदिर का पूरा परिसर है वो बहुत ही सुंदर है। मतलब आप लोग को शिव जी की सुंदर सी प्रतिमा मिलेगी, तो वो है। और शॉप्स वगैरह हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए भी और भी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ दर्शन किया, फटाफट से हम लोग फिर से निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए क्योंकि वहाँ लेट नहीं होना चाहिए था हमें।
तो यहाँ हम पहुँच गए हैं सालासर मंदिर के पास, जहाँ बहुत सारी मिठाई की शॉप थी। पहले मैंने यहाँ भीड़ देखी तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आगे मंदिर की तरफ से ही ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने टर्न किया तो सामने ही आप लोगों को सालासर बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर का बोर्ड दिख जाएगा। फिर वहीं सामने से ही मंदिर के सामने से ही ना हम लोगों ने मिठाई ले ली थी, जो प्रसाद हमें चढ़ाना था, बहुत ही टेस्टी था। मैंने यहीं से ले लिया था मंदिर के लिए भी और घर के लिए भी। तो इस यहाँ से लेने के बाद हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। तो मंदिर में एंट्री करते ही हमें दिख रहा था एक और प्रसाद काउंटर। यहाँ से भी अंदर मंदिर के अंदर से भी जाके आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना बाहर का प्रसाद बहुत अच्छा लगा। जो मंदिर के बिल्कुल सामने शॉप है वहाँ से आप लोग प्रसाद लीजिएगा जब भी आप सालासर जाएं, तो वहाँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो वो लिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हमें लग रहा था कि हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ी देर तो हम लोगों ने सोचा कि वापस चलते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि इतनी दूर आए और दर्शन ना हो, ऐसे ही वापस जाना सही नहीं है। तो हम लोगों ने VIP दर्शन के लिए पता किया, तो VIP दर्शन उस वक्त हो रहा था, तो हम लोगों ने VIP दर्शन किए हैं, बिल्कुल पास से दर्शन किए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बल्कि 10 से 15 मिनट हमें लगे थे दर्शन करने में, वही हम लोग अगर लाइन में लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हमें, हमारी ट्रेन छूट जाती। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस लाइन में ही लग कर दर्शन करेंगे। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं ये VIP दर्शन नहीं करती, जैसे खाटू श्याम में दर्शन किया वैसे ही यहाँ पर भी दर्शन करती। तो नेक्स्ट टाइम देखो बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर ज़रूर आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। ये वो लाइन है जो कि टाइम लग रहा था, और ये हमारी लाइन है जो कि 10 से 15 मिनट में हमें दर्शन हो गए थे। वो बारी बारी लाइन से भेज रहे थे, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा बनता है जो कि इतनी लंबी लाइन में लग कर दर्शन कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि हम लोग इतने कम टाइम में दर्शन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो वेट करना बनता था। तो 10 से 15 मिनट लगा, उसके बाद हम दर्शन करने के बाद मंदिर निकल कर नाश्ता करने चले गए थे एक रेस्टोरेंट में। मुझे यहाँ का नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने ज़रा सा भी नहीं खाया, बस बेटी को खिलाया क्योंकि उसको खिलाना ज़रूरी था, उसको भूख बहुत तेज लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन थी। बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन था जहाँ की 1 से 2 गाड़ियाँ ही आती होंगी मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा छोटा और बिल्कुल पुराना स्टेशन था। हम लोग कुछ देर यहाँ वेट किया हम लोगों ने, उसके बाद हमारी ट्रेन आई, तो हम यहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। खाटू श्याम जी ने बहुत अच्छे से दर्शन दिया, सालासर भगवान जी ने भी बहुत अच्छे से दर्शन दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से मौका मिलेगा तो ज़रूर ज़रूर आएंगे, बाबा अगर बुलाएंगे तो दर्शन करने ज़रूर आएंगे। तो ये आ गई है हमारी ट्रेन, और अब हम इस ट्रेन से अपने घर वापस दिल्ली जाएंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।